हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम आपको हिंदी ग्रामर में बुक में से काम नहीं करवाएंगे। नोटबुक में मैंने कुछ काम लिखा है आपके लिए, बहुत आसान तरीके से। वचन बदलो हैं, लिंग बदलो हैं और विलोम शब्द हैं, जिन्हें आपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बुक में बहुत सारा होता है, इसलिए मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं कॉपी में, ताकि आप सब बच्चों के लिए आसानी हो जाए। अब ये है वचन बदलो। फर्स्ट क्लास में भी आपने सारा ग्रामर वर्क किया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा आसान भी है। फर्स्ट वाले बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम होता है, तो उनको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है। वचन बदलो, एक वचन और बहुवचन होता है ना, पता है आपको? ऐसे मेला मेले, थाली थालियां। अब एक बात का ध्यान रखना है, जहां पर भी एक वचन में अंत में आखिर में बड़ी की मात्रा आएगी, जहां जहां बड़ी की मात्रा होगी ना, वो शब्द छोटी ई में बदल जाएंगे। अक्षर मात्रा जो है छोटी ई में बदल जाएगी। और आगे का क्या है, या ऐसे लगेगा, ठीक है? मैं आपको अभी पढ़ाती जाऊंगी तो समझाती भी जाऊंगी। थाली थालियां, छोटी की मात्रा आ गई, या पे चांद बिंदु, ध्यान रखना है, तभी आपका ये शब्द पूरा सही होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, थालियां तो लिखते हैं, लेकिन बड़ी की मात्रा को बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते। ऐसे कुत्ता कुत्ते, लड़की बड़ी की मात्रा है ना, अब देखिए लड़कियां, यहां ध्यान देना छोटी की मात्रा, लड़कियां। दासी बड़ी की मात्रा, दासी में छोटी की मात्रा, दासियां। कलम कलमे, अब कुछ शब्द होते हैं जो एक ही मात्रा में ऊपर ए की आवाज आती है, तो वहां पर बिंदी लगानी होती है, और कहीं कहीं नहीं आती बिंदी, मैं आगे बताऊंगी किस पर नहीं आई, ठीक है ना? यहाँ पर आई है, बोलने में पता चल जाता है ए की आवाज आ रही है। कलम कलमे, लहर लहरें, गली बड़ी की मात्रा है ना, फिर छोटी में बदल गई, गलियां। दासी, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी में बदल गई, दासियां। पत्ती बड़ी की मात्रा है, पत्तियां में छोटी की मात्रा हो गई, तो ध्यान से लिखना है पत्तियां। आंख आंखें, ए की आवाज आ रही है ना, तो बिंदी लगी है। घोड़ा, अब घोड़ा का बहुवचन घोड़े, अब यहाँ पर बिंदी नहीं है, क्योंकि अगर बिंदी लगाकर बोलेंगे तो कैसी आवाज आएगी पता है? घोड़े, ऐसे तो नहीं बोलते ना, घोड़ा घोड़े। जहां पर अंग की बिंदी आ रही है वहां पर आवाज आती है, तो हमें पता चल जाता है। जैसे लहर लहरें, आंख आंखें, मेज मेजें, किताब किताबें। अब घोड़ा में नहीं आए ना आवाज, घोड़े। कमरा कमरे, वहां पर एक ही आवाज आई है, तो ये ध्यान रखना है वचन बदलने में। अब अगला पेज काम करेंगे, लिंग बदलो। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग। पुरुष में नर और यहाँ मादा, जैसे पिता माता, नाग नागिन, बैल गायें, राजा रानी, नौकर नौकरानी। अब जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता ना, तो यह नौकर का नौकरी लिख देता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, नौकर नौकरानी। धोबी धोबिन, ऊंट ऊंटनी, मामा मामी, बेटा बेटी, भील भीलनी, भाई बहन, सेवक सेविका। आप इसे बोल बोल कर याद करके फिर अच्छे ढंग से लिखना, आपको लिखना भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब अगले पेज पे करेंगे विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। ये आप बच्चों को फर्स्ट में भी बहुत सारे करवाए थे, तो अब सेकंड में हैं आप, तो बहुत सारे शब्द आपको आते होंगे, जो नहीं आते तो आप नहीं याद भी करेंगे। अब पढ़ते हैं इन विलोम शब्दों को। अमीर गरीब,
पक्का, अपना पराया, शत्रु मित्र, अच्छा बुरा, आदर निरादर, प्रातः सायं, अंदर बाहर, अमृत विष, प्रसन्न अप्रसन्न, आशा निराशा, शांत अशांत। कुछ शब्दों में अ भी लगा आगे, जैसे प्रसन्न का क्या हो गया अप्रसन्न, शांत अशांत। तो आप बच्चों ने इसे बोल बोल कर याद करना है और सुंदर सुंदर ये तीनों काम अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बाय।